हनुमान जी को पंचमुखी रूप में हम पूजते तो हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया? सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कानपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध पंखी हनुमान मंदिर के बारे में, जहां आपको साक्षात दर्शन होंगे शक्तिशाली पंचमुखी हनुमान जी से। पंखी हनुमान जी की मूर्ति 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। पंचमुखी मूर्ति में देवी मां का भी स्वरूप है, क्योंकि हनुमान जी सीता माता के अनन्य भक्त थे। माता सीता भी उन पर अपार ममता रखती थी और उन्हें अपना ज्येष्ठ पुत्र मानती थी। माना जाता है कि गंगादास जी पंखी के हनुमान जी की मूर्ति को चित्रकूट से बिठूर ले जा रहे थे। रात में वो वहां, जहां वर्तमान में पंखी मंदिर स्थित है, वहां विश्राम के लिए ठहरे। उस रात्रि गंगादास जी के स्वप्न में प्रकट होकर हनुमान जी ने उन्हें मूर्ति को वही स्थापित करने के लिए कहा। हनुमान जी की पंखी में ही रहने की इच्छा का सम्मान करते हुए गंगादास जी ने मूर्ति को वही स्थापित किया और उसे बिठूर ले जाने का विचार छोड़ दिया। जैसे ही मूर्ति वहां स्थापित की गई, चमत्कारी रूप से आसपास के स्थानों के लोग मंदिर में दर्शन करने आने लगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पंखी हनुमान जी की पूजा करने लगे। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और पंखी का दरबार इस बात के लिए प्रसिद्ध होने लगा कि वहां की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति वहां सच्ची श्रद्धा से आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। भारतवर्ष में भगवान श्री राम का उतना मंदिर नहीं होगा जितना श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं, और केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम के उतने मंदिर नहीं होंगे जितने मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। क्यों? बोले, भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों का महत्व संसार में होता है। राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी से ज़्यादा रामदास हनुमान जी के मंदिर हैं, और रामदास हनुमान जी महाराज भगवान के भक्तों का सदा कल्याण करते रहते हैं। राम रावण युद्ध में जब रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाथ मारा गया तो रावण क्रोधित हो उठा और उसने पाताल लोक में रहने वाले अपने राक्षस भाई अहिरावण से कहा कि वो श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले जाए और वहां उनका वध कर दे। जब श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर अहिरावण पाताल लोक ले गया, तब अपने प्रभु श्री राम को अहिरावण के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान जी पाताल लोक चले गए। अहिरावण को अपनी कुलदेवी का विशेष वरदान प्राप्त था। वो हमेशा अपनी कुलदेवी के सामने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दिए प्रज्वलित करता था। अहिरावण को वर था कि कोई भी व्यक्ति तब तक उसका वध नहीं कर सकता जब तक वो सभी 5 दियों को एक साथ बुझाना दे, जो कि एक असंभव कार्य था क्योंकि सभी 5 दिए अलग अलग दिशाओं में रखे थे। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से इसे जान लिया और इसीलिए पाताल लोक में प्रवेश करते समय उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया ताकि वो सभी 5 दिए एक साथ बुझा सकें। अपने पंचमुखी अवतार के द्वारा हनुमान जी ने सहज ही अहिरावण का वध किया और श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से बचाकर सकुशल वापस ले आए। क्योंकि अहिरावण नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो तो उसे पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सीता जी श्री राम को अपने प्राणों से भी प्रिय थी। हनुमान जी की सीता जी के प्रति अनंत भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां वरदान में दे दी। इसीलिए हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय हनुमान जी। सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम।
श्याम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम श्री सीता राम चंद्र भगवान की।